हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कात्या किड्स लर्न विद फन आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स की बुक सोशल की बुक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड से सेकेंड चैप्टर ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स का थर्ड पार्ट ओशन एंड कॉन्टिनेंट से वन और टू पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं फर्स्ट और सेकेंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा थर्ड पार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने इंक्लूड किया है कॉन्टिनेंट्स को तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में और आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में और बाकी के एक एक दो पॉइंट्स और हैं जिनको कि हम डिस्कस करेंगे और यहीं पर हम इस चैप्टर को एंड करेंगे कॉन्टिनेंट्स आर विजिबल ऑन द मैप ऑफ द ओशियन कॉन्टिनेंट्स कहाँ विजिबल है बेटा कॉन्टिनेंट्स विजिबल हैं ऑन द मैप ऑफ ओशन टू पॉइंट थ्री हाउ मेनी कैन यू काउंट द एंसर इज़ नॉट सो सिंपल एज दे कैन बी काउंटेड इन सेवरल वेज अगर हम ओशन की बात करें और कॉन्टिनेंस की बात करें तो ओशन तो हम काउंट कर सकते हैं फाइव हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की तो इनको काउंट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये कभी कभी एक साथ काउंट होते कभी कभी अलग होते हैं तो इसीलिए हम अलग अलग तरीकों से हम इस कॉन्टिनेंट को काउंट करेंगे डिपेंडिंग ऑन अवर चॉइस वी मस्ट लिस्ट एनी नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिटवीन फोर एंड सेवन हमारे चॉइस के हिसाब से अगर हम देखें तो हम कॉन्टिनेंट्स को फोर फाइव सिक्स और सेवन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हेयर इज वाई क्यू क्यों इसको हम डिवाइड करते हैं इन फोर से लेकर के सेवन तक की कैटेगरीज में चलिए देखते हैं नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर जनरली कंसीडर्ड टू बी टू कॉन्टिनेंट बट इफ सीन एज अ सिंगल लैंड मार्स दे कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को दो कॉन्टिनेंट के जैसे देखते हैं लेकिन अगर हम सिंगल लैंड मास की तरफ से देखें उस एंगल से देखें सिंगल लैंड मास के एंगल से देखें तो ये हमारा एक ही कॉन्टिनेंट माना जाएगा कौन सा माना जाएगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हमारा एक सिंगल कॉन्टिनेंट जो टू कॉन्टिनेंट्स हैं ये सिंगल कॉन्टिनेंट के तौर पर देखा जाएगा एक सिंगल लैंड मास है तो इसीलिए इसको हम एक ही कॉन्टिनेंट मान के चलेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं यूरोप एंड एशिया आर जनरली कंसिडर्ड एज टू कॉन्टिनेंट्स बात करते हैं अगर हम यूरोप और एशिया की तो ये भी क्या है दो कॉन्टिनेंट हैं ठीक है थीके? दो दो ऑलो द मैप मेक्स इट क्लियर दैट दे फॉर्म अ सिंगल लैंड मास फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीज़न यूरोप रिवोल्यूशन हैज बिन डिफरेंट फ्रॉम एशिया ठीक है तो अगर हम बात करते हैं यूरोप और एशिया के बारे में तो ये भी एक दो कॉन्टिनेंट है ठीक है लेकिन मैप ये क्लियर करता है कि ये एक सिंगल लैंड मास है है ना एक ज़मीन का टुकड़ा सिंगल ज़मीन का टुकड़ा है जिसको कि हम अलग अलग जानते हैं लेकिन हिस्टोरिकल और कल्चरल एविडेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो यूरोप का इवोल्यूशन जो है एशिया से बिल्कुल अलग है विच इज वाई दे कैन बी सीन एज टू कॉन्टिनेंट और इसी के हिसाब से हमने क्या कर दिया हमने एशिया और यूरोप को दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिया ठीक है जूलॉजिस्ट हाइवर ऑफ एन रिगार्ड दैम एज अ सिंगल कॉन्टिनेंट कॉल्ड यूरेशिया जबकि जो जूलॉजिस्ट हैं इन्होंने क्या करा जो जूलॉजिस्ट हैं इन्होंने सिंगल कॉन्टिनेंट के तौर पर देखा किसने देखा जूलॉजिस्ट ने यूरेशिया को एक सिंगल कॉन्टिनेंट के तौर पर देखा यानी यूरोप और रशिया को एक साथ शामिल कर लिया अफ्रीका एंड यूरेशिया आर जनरली रिगार्डेड एज टू कॉन्टिनेंट्स बट समाइम एज वन और बात करते हैं अफ्रीका और यूरेशिया की मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप देख रहे हो यूरोप और रशिया ये सभी क्या हैं इनको हम दो कॉन्टिनेंट मानते हैं लेकिन कभी कभी इसको हम एक कॉन्टिनेंट भी पढ़ते हैं तो चलिए इस चीज़ को जो चीज़ हमने अभी ऊपर डिस्कस करी इसको हम समराइज करते हैं कि, किस किसके बेसिस पे इस टेबल के बेस पर हम इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो चलिए हम बात करते हैं फोर कॉन्टिनेंट्स के बारे में काउंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का अगर हम देखें बात करें तो फोर कॉन्टिनेंट में अगर हम पहला कॉन्टिनेंट देखते हैं जिसमें है अफ्रीका यूरेशिया पहले में शामिल है और दूसरा है अमेरिका जिसमें नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों हैं तीसरा है अंटार्कटिका चौथा है ऑस्ट्रेलिया ठीक है बात करते हैं हम फाइव कॉन्टिनेंट्स के बारे में तो फाइव कॉन्टिनेंट्स में देखो अब यहाँ से यूरेशिया अलग हो गया अफ्रीका से तो पहले है अफ्रीका उसके बाद है अमेरिका उसके बाद है एंटार्टिका उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया उसके बाद है यूरेशिया ओके नाउ मूविंग टूवर्ड सिक्स कॉन्टिनेंट्स जब हमने बात करी थी सिक्स कॉन्टिनेंट्स के लिए कि हमारे वर्ल्ड में सिक्स कॉन्टिनेंट्स होते हैं तो कौन कौन से हैं तो सबसे पहला है अफ्रीका दूसरा है एंटार्क्टिका तीसरा है ऑस्ट्रेलिया चौथा है यूरेशिया पांचवा है नॉर्थ अमेरिका छठा है साउथ अमेरिका ठीक है सिक्स कॉन्टिनेंट को अगर हम बेस मान करके चलें तो यहाँ पर अफ्रीका एंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया यूरेशिया नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है अगेन यहाँ पर यूरोप और रशिया अभी भी आपस में मिले ही हुए कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं बात करते हैं अगर हम सेवन कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से तो सेवन कॉन्टिनेंट्स में हमारे कौन कौन से शामिल हैं अफ्रीका एंटार्कटिका एशिया ऑस्ट्रेलिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ठीक है ना अब यहाँ पे देखो यूरोप और एशिया अलग अलग हो गए तो मोस्ट जो हमें आ, बिल्कुल स्टार मार्क में दिखाता है और ज़्यादातर कॉमन है सेवन कॉन्टिनेंट्स में वो हमारा क्या है यही वाले हैं सारे सेवन कॉन्टिनेंट्स वाला ही ज़्यादा से ज़्यादा हमें पूछा जाता है पेपर में तो ये है अफ्रीका एंटार्क्टिका एशिया ऑस्ट्रेलिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ओके इज़ दैट क्लियर आगे बढ़ते हैं यानी अगर हम देखें कॉन्टिनेंट्स को काउंट करते हैं तो इन कॉन्टिनेंट्स में हमें क्या दिखाई दिखाई देता है कि हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अगर हम चलें हिसाब से तो कभी कभी हम इसको फोर कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं कभी हम फाइव कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं कभी सिक्स पढ़ते हैं और कभी सेवन पढ़ते हैं ठीक है तो फोर कॉन्टिनेंट्स में अफ्रीका यूरेशिया अमेरिका अंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया आते हैं फाइव कॉन्टिनेंट में हमारा अफ्रीका अमेरिका अंटार्क्टिका ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया आते हैं सिक्स कॉन्टिनेंट में अफ्रीका एंटार्टिका ऑस्ट्रेलिया यूरेशिया नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आते हैं और सेवन कॉन्टिनेंट में जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो है अफ्रीका एंटार्क्टिका एशिया ऑस्ट्रेलिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ठीक है तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं इन प्रैक्टिस द लास्ट लिस्ट ऑफ सेवन कॉन्टिनेंट इज द वन मोस्ट वाइडली वाइडलीड एंड यूज अगर हम बात करते हैं ये वाला सेवन कॉन्टिनेंट का तो ये सबसे ज्यादा एडोप्टेड है और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है अच्छा ये जो आपको रिंग्स दिख रहे हैं ब्लू ब्लैक रेड येलो और ग्रीन कलर में इसको आपने कई जगह देखा होगा ये हमारे ओलंपिक रिंग का लोगो है ठीक है वन ऑफ द सिंबल ऑफ द ओलंपिक गेम्स दिस सिंबलाइज द गैदरिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ये क्या बता रहे हैं सभी वर्ल्ड के हिस्सों से सभी कॉन्टिनेंट से लोगों की गैदरिंग को दिखाते हैं द रिंग्स वर वूजन टू रिप्रेजेंट फाइव इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स ठीक है और ये जो रिंग्स बनाए गए वो किन के लिए बनाए गए फाइव इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स के लिए बनाए गए जिसमें अफ्रीका अमेरिका एशिया ऑस्ट्रेलिया और यूरोप शामिल है चलिए हम रिकॉल करते हैं कौन कौन से कॉन्टिनेंट शामिल हैं इसमें अफ्रीका अमेरिका एशिया ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप ओके okay? इज एट क्लियर ये सभी रिंग्स जो हैं सिंबलाइज करते हैं हमारे इन फाइव कॉन्टिनेंट्स को ठीक है नाउ लेटेस्ट लुक एट द डायग्राम ऑन पेज नंबर थर्टी सिक्स विच इज बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ सेवन कॉन्टिनेंट इट डज़ नॉट शो देयर एक्चुअल शेप बट देयर रिलेटिव साइज अगर हम पेज नंबर थर्टी सिक्स पे भी पढ़े पहुँचेंगे तो यहाँ पर हमने क्या हम क्या देखेंगे कि पेज नंबर थर्टी सिक्स पे हमारे सभी कॉन्टिनेंट्स को मेजर मैंशन किया गया है लेकिन अकॉर्डिंग टू साइज के नहीं दिखा रहा है बॉक्स के हिसाब से दिखा रहा है ठीक है तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा हमारा क्या दिख रहा है काउंट करो बॉक्स को नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो फोर फोर एट फोर फोर एट एट फोर ट्वेल्व ट्वेल्व फोर सिक्सटीन सेवनटीन है है ना तो इसी तरीके से थ्री 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 सिक्स थ्री नाइन नाइन थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व थ्री फिफ्टीन ठीक है तो इस इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो क्या दिख रहा है हमारा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है है ना देखो यूरोप में भी थ्री थ्री सिक्स सिक्स थ्री नाइन और वन टेन है इसमें थ्री थ्री सिक्स और टू एट है, है ना तो ये एक्चुअल नहीं है लेकिन हम इन बॉक्सेस के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग लगभग यही होगा तो चलो हम कुछ टर्म्स को एक्सप्लोर करते हैं कुछ चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं समझते हैं किन किन किसी किन चीज़ों को चलिए आगे बढ़ते हैं काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द स्मॉलेस्ट है ना इन सभी कॉन्टिनेंट्स में जब नंबर ऑफ स्क्वायर आप काउंट करोगे उसमें से जो सबसे ज़्यादा स्क्वायर वाला होगा सबसे ज़्यादा बॉक्स वाला कॉन्टिनेंट होगा वो लार्जेस्ट होगा ठीक है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होगा और सबसे कम बॉक्स वाला होगा वो होगा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ओके विच वन इज़ लार्जर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया देखो यहाँ पे कंपैरिजन पूछ रहा है इन सभी में कौन कौन बड़ा है कौन छोटा है तो जब आप इस बॉक्स को काउंट करोगे ना तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कितना है चलो हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो देखो नॉर्थ अमेरिका में फोर फोर और फोर और फोर ठीक है सिक्सटीन हो गया सिक्सटीन और वन सेवनटीन है थ्री 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 ठीक है ना? यहाँ पे एटीन है है ना तो यहाँ पर क्या हो गया सेवनटीन था और यहाँ क्या हो गया नीचे साउथ अमेरिका में ये हो गया हमारा एटीन ठीक है तो हम अगर बात करते हैं पहले क्वेश्चन में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें यहाँ आ, दोनों में हमें साउथ अमेरिका बड़ा दिख रहा है क्योंकि इसमें हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं इसमें हमारे पास 18 बॉक्सेस हैं और नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास 17 बॉक्सेस हैं राइट चलो इसी तरीके से हमको फाइंड आउट करना है रिकलर द डायग्राम बाई हैविंग अ सिंगल कलर फॉर यूरोप एंड एशिया एंड रीनेम द रिजल्ट एज यूर एशिया फिर से इसमें कलर करना है बताना है कि सिंगल कलर से ही कलर करना है यूरोप और एशिया को एक साथ देखो हम मियाँ मैप में यूरोप और एशिया को सिंगल कलर से करना है यहाँ पे दो कलर से किया है ना ग्रीन और पिंक से यहाँ पे सिंगल कलर से दोनों को करना है और नाम रखना है यूरेशिया कंपेयर इट साइज विथ साउथ अमेरिका अब यहाँ पे इसके साइज़ को साउथ अमेरिका के साथ कंपेयर करना है बड़ा हो जाएगा फिर यूरेशिया ठीक है राइट डाउन द लिस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट ठीक है अब यहाँ पे हमें क्या करना है आपको स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट तक के बारे में लिखना है ठीक है तो अगर हम स्क्वायर के हिसाब से देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा है ऑस्ट्रेलिया ओके उसके बाद है यूरोप उसके बाद है एंटार्टिका है ना ऑस्ट्रेलिया यूरोप एंटार्कटिका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अफ्रीका और लास्ट में होगा एशिया आप बॉक्सेस को काउंट करिएगा और उसी हिसाब से फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इफ़ यू हैव केयरफुली ऑब्जर्व द टू मैप्स अर्लियर इन दिस चैप्टर यू मे हैव नोटिस दैट द कॉन्टिनेंट्स डू नॉट इंक्लूड ऑल लैंड मार्क्स अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स जो हैं सभी लैंड मार्क्स को नहीं दिखाते हैं सम स्मॉलर पीसेज ऑफ लैंड आर लेफ्ट आउट ठीक है ना तो कुछ स्मॉलर पीसेज ऑफ लैंड जो हैं वो छूट गए हैं ठीक है तो कौन से छूटे हैं जरा हम देखें इनको देखते हैं इनको हम सम स्मॉलर पीसेस ऑफ लैंड आर लेफ्ट आउट सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स दे आर कॉल्ड आइलैंड ठीक है तो सम स्मॉलर पीस ऑफ लैंड आर लेफ्ट आउट फ्रॉम द लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स दे आर कॉल आइलैंड्स ठीक है कॉन्टिनेंट्स आर आल्सो सराउंडेड बाय वाटर बट बिकॉज़ दे आर सो लार्ज दे आर नॉट कंसीडर्ड एज आइलैंड कॉन्टिनेंट्स भी वाटर से घिरे हुए हैं लेकिन लेकिन ये इतने बड़े हैं इनका लैंडमार्क इतना बड़ा है कि हम इनको आइलैंड के तौर पर कंसिडर नहीं कर सकते ठीक है तो आइलैंड क्या होगा स्मॉलर पीस ऑफ लैंड होगा ठीक है ध्यान से समझिए स्मॉलर पीस ऑफ लैंड लेफ्ट आउट बाय द लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, दे आर कॉल्ड एज आइलैंड देर आर लैक्स ऑफ आइजल आइलैंड ऑन द प्लैनेट ऑफ वेरी डिफरेंट साइजेस अगर हम अलग अलग साइजेस के हिसाब से देखें तो बहुत लाखों हमारे पास आइलैंड हैं चलो हम आगे देखते हैं इसमें देखते हैं ग्रीन लैंड इज द लार्जेस्ट आईलैंड इन द वर्ल्ड लोकेट इट ऑन अ ग्लोब मैप मैपे ग्रीन लैंड दिखाना है ठीक है तो जब अब हम मैप खोलते हैं वर्ल्ड का मैप तो ग्रीनलैंड हमें कहाँ दिखाई देता है ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है है ना तो ग्रीनलैंड हमें कहाँ दिखाई देता है जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो वाला आइलैंड हमें कहाँ दिखाई देता है ग्रीनलैंड वो हमें दिखाई देता है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में ठीक है कहाँ दिखाई देता है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में चलिए हम फिगर आउट करते हैं उसको कहाँ पे अगर हमें कहीं मैप मिल जाता तो वहाँ से हम आपको क्लियर कर देते हैं ग्रीन लैंड पे है ये देखो यहां पे है है ना कहाँ दिख रहा है हमें ग्रीन लैंड ये वाला हिस्सा देखो जिसको मैं सर्कल कर रही हूं ये हमारा ग्रीनलैंड का हिस्सा है ओके okay? यहां पे क्या है हमारा ग्रीनलैंड है ठीक है ये वाला ग्रीन लैंड है सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो सबसे बड़ा लैंडमार्क है जो ग्रीन लैंड है वो कहाँ पे है चलिए आगे बढ़ते हैं यू वुड हैव ऑल्सो added the areas of 10 largest states of india to reach its size india has more than 1300 small island india mein kitne islands hain 1300 small island hain jisme do island included hain do those included two major groups andaman and nicobar land in the bay of bengal and lakshadweep island in the arabian sea ठीक है ना तो अंडमान एंड निकोबार जो है और लक्षद्वीप आइलैंड इन दोनों को मिला करके हमारे पास कितने हैं आइलैंड्स थर्टीन हंड्रेड आइलैंड हैं मतलब वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड स्मॉल आइलैंड हैं ओके सो आगे बढ़ते हैं सिंस नाइनटीन एटी वन द इंडियन अंटार्क्टिका प्रोग्राम हैज़ बीन एक्सप्लोरिंग अंटार्क्टिका अ कॉन्टीनेंट विद अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड हार्स इन्वाट सी दाइट एक्सपेंस एट द बॉटम ऑफ इगर टू पॉइंट वोस्टली आई सी इन नाइनटीन एटी थ्री इंडिया स्टेबलेट्स इज फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन दे आर कॉल दक्षिण गंगोत्री ठीक है टू मोर बेसिस वेर इस्टेब्लिस्ड लेटर अगर हम बात करते हैं नाइनटीन की तो इंडिया अंटार्कटिका इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम के तहत क्या हुआ था कि इंडिया ने एक्सप्लोर करना शुरू किया था अंटार्कटिका को तब एक्सप्लोर करने के दौरान उसे पता चला था कि अंटार्कटिका क्या है एक कोल्ड क्लाइमेट वाला कॉन्टिनेंट है और यहाँ का एन्वामेंट बहुत हार्स है ठीक है यहाँ पर इंडिया ने 1983 में एक साइंटिफिक बेस स्टेशन इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम रखा क्या जिसका नाम रखा दक्षिण गंगोत्री वेरी इंपॉर्टेंट है मार्क कर लीजिएगा वन मार्कर में पूछ सकता है एम में ठीक है दक्षिण गंगोत्री इंडिया ने जो साइंटिफिक स्टेशन जो साइंटिफिक बेस स्टेशन स्टेब्लिश किया अंटार्क्टिका में वो हमारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से फेमस है अंटार्क्टिका में अबाउट फोर्टी टीम्स ऑफ इंडियन साइंटिस्ट रिसर्च इन दिस फार अवे रीजन स्पेशली ऑन द इवोल्यूशन लगभग चालीस टीम जो थे फोर्टी टीम्स इंडियन साइंटिस्ट के हैं जिन्होंने कि यहाँ पर रिसर्च कंडक्ट किया है और स्पेशली किसके ऊपर इवोल्यूशन के ऊपर ठीक है ना इवोल्यूशन के ऊपर यहाँ पर इन्होंने क्या किया है रिसर्च किया है ऑफ क्लाइमेट एंड एनवामेंट किस चीज़ का इवोल्यूशन क्लाइमेट और इन्वामेंट का द सेटलमेंट वेयर द साइंटिस्ट लिव हैज अ लाइब्रेरी एंड इवन अ पोस्ट ऑफिस अब जिस सेटलमेंट जहाँ पर साइंटिस्ट रहते हैं यहाँ पर क्या है लाइब्रेरी भी है और पोस्ट ऑफिस भी है ओके okay? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं ओशन एंड लाइफ नेक्स्ट हमारे टॉपिक टॉपिक था ओशन एंड लाइफ ओशन एंड कॉन्टिनेंस आर वाइटल पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट जैसा हम बात करते हैं ओशन की तो ओशन और जो कॉन्टीनेंस हैं हमारे इन्वामेंट का वाइटल हिस्सा है वाइटल पार्ट्स हैं ठीक है ओशन एंड कॉन्टिनेंस आर वाइटल पार्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड अफेक्ट मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ इवन इफ वी डू नॉट नोटिस इट और ये हमारे लाइफ के ज़्यादातर हिस्सों में अफेक्ट डालते हैं अगर हम इन पर ध्यान नहीं देते फिर भी ये अफेक्ट करते हैं दिस पार्ट ऑफ द वी हैव मैंशन दैट ओशन सेंड रेन टू द कॉन्टिनेंट दिस पार्ट ऑफ द अर्थ वाटरसाइकिल विच यू विल फर्दर स्टडी इन साइंस साइंस में आपने वाटरसाइकिल के बारे में पढ़ना है वहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट लेकिन फिर मैं यहाँ पर भी बता दूँ कि वाटरसाइकिल क्या होता है एक्चुअल में वॉटर <coughs> साइकिल में जो हमारा ओशन है वो इवापोरेट होता है उसका ओशन उस 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 का पानी एवेपरेट होता है और इवापोरेट होकर के क्लाउड का फॉर्मेशन होता है क्लाउड फिर कंडेंस करते हैं और कंडेंस होकर के फिर प्रेसिपिटेशन होता है यानी रेन होती है और रेन का पानी फिर से हमारे आ, वाटर रिसोर्सेज से होते हुए ओशन में वाटर बॉडीज़ में पहुँच जाता है और फिर से यही पानी रोटेट होता रहता है ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं <coughs> विदाउट ओशन फॉर इंस्टेंस देर वुड बी नो रेनफॉल अगर हम बिना ओशन के बारे में देखें तो यहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होती ओशन के बिना कोई रेनफॉल नहीं हो, होगा द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट अर्थ क्या हो जाएगी एक डेजर्ट बन जाएगी मतलब रेगिस्तान बन जाएगी ठीक है तो आ, अगर ओशन <coughs> नहीं होगा तो रेनफॉल नहीं होगा और रेनफॉल नहीं होगा तो अर्थ क्या बन जाएगी डेजर्ट बन जाएगी मोर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओशन फ्लोरा अगर बात अगर ध्यान से समझे तो ओशियन फ्लोरा जो है वो हमारे ऑक्सीजन का हाफ हिस्सा जो है वो प्रोड्यूस करता है है ना ओशन में जो फ्लोरा अवेलेबल है वो क्या करता है हमारे ऑक्सीजन की जितनी डिमांड है उसका हाफ ऑक्सीजन का डिमांड हमारा ओशन का फ्लोरा करता है फ्लोरा टॉप के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है जो प्लांट्स होते हैं हमारे एक्वेटिक प्लांट्स या फिर टेरेस्ट्रियल uh, प्लांट्स uh, जो भी हैं वो हमारे फ्लोरा की कैटेगरी में आते हैं विच इज़ वाई दे आर कॉल्ड द्लान प्लानट्स लंग इसलिए इन सभी फ्लोराज को जो एक्वेटिक प्लांट एरियाज में रहते हैं उनको हम प्लानट के लंग कहते हैं द ओशन दरफोल प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड सस्टेनिंग लाइफ ऑफ द अर्थ ठीक है तो इसलिए ओशन क्या है एक क्रूशियल रोल प्ले करता है क्या करने के लिए लाइफ को सस्टेन रखने के लिए अर्थ पे इसलिए हम कह सकते हैं कि ओशन इज एवरीथिंग है ना आपने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में देखा था जो जोल्स वर्निन का स्कोटेशन था उसकी फर्स्ट लाइन थी ओशन इज एवरीथिंग है ना क्यों क्योंकि ओशन ही इफेक्ट डालता है हमारे क्लाइमेट पे और लाइफ को सस्टेन करता है अर्थ पे ओशन हैव डीपली इंपैक्ट ह्यूमैनिटी इन मेनी अदर अदरवेज अच्छा अब किन किन तरीक़ों से ओशन ने ह्यूमैनिटी uh, पे इंपैक्ट डाला है उसमें देखते हैं फ्रॉम अर्ली टाइम्स की अगर हम बात करते हैं पीपल हैव यूज ओशन एंड सी टू माइग्रेट टू अदर रीजन्स है ना फर्स्ट पॉइंट है क्या लोगों ने क्या किया ओशन और सी को यूज़ करके माइग्रेट किया एक जगह से दूसरी जगह तक है ना टू ट्रेड इन ऑल काइंड ऑफ गुड्स टू कंडक्ट मिलिट्री कैम्पेन एंड एज अ सोर्स ऑफ फूड थ्रू फीसिंग देखो कितने सारे पॉइंट्स हो गए यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर इन्होंने क्या किया आ, ये ट्रेड इस्टेब्लिश की इन सब चीज़ों से ना? Third point है न थर्ड पॉइंट है मिलिट्री कैंपेन बनाया इन्होंने और फोर्थ पॉइंट है सोर्स ऑफ फूड थ्रू फिशिंग है ना क्या क्या मिला हमको ओशियन से हमें सबसे पहला मिला माइग्रेट करते थे एक रीज़न से दूसरे रीज़न पे थ्रू ओशन सीज़ दूसरा था टू तो ट्रेड इन ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू तो कंडक्ट मिलिट्री कैम्पेन है ना और फिर ट्रेड कर सकते थे सभी गुड्स का और फिर उसके बाद सोर्स ऑफ फूड हम यहीं से गेन कर सकते थे ओके ओशन हैव ऑल्सो नरेस्ड द कल्चर्स ऑफ कोस्टल पीपल अच्छा ओशन ने और क्या काम किया ओशन ने यहाँ के लोगों के कल्चर को नरिश करके रखा मतलब फ्लरिश करके रखा कोस्टल पीपल के लोगों को ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव टेल्स एंड लेजेंड्स अबाउट द सी और सभी के पास समुद्रों के बारे में और महासागरों के बारे में कहानियाँ थी सी गॉड और गॉडसेस सी मॉन्स्टर एंड ट्रेजर फ्रॉम द सी सी समुद्र के अंदर रहने वाले दा और दानव दोनों के बारे में यहाँ पे कहानियाँ देखी गई ओशन डेंजर के बारे में बताया गया और उसकी ब्लेसिंग्स के बारे में भी बताया गया ओके आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको चलिए आगे बढ़ते हैं द यूनाइटेड नेशन हैज़ डेजिग्नेटेड जून 8 एज वर्ल्ड ओशन डे ठीक है अगर आगे हम देखें तो यूनाइटेड नेशन ने जून एट को मतलब एट्थ जून को वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट करने की बात की किस चीज़ के लिए टू रिमाइंड अस ऑल ऑफ द मेजर रो द ओशन प्लेस इन एवरी डे लाइफ किस चीज़ के लिए इन्होंने प्ले किया एट जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया इसलिए कि वो हमें याद दिला सकें कि ओशन हमारे डे टू डे लाइफ में कितना इम्पैक्ट डालता है हमारे ऊपर इसलिए ओशन को सेव करके रखना जरूरी है उसको पोल्यूट नहीं करना है हमारे प्लानट के लिए ये हम लंग्स का काम करता है अ मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन एंड अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर है ना फूड और मेडिसिन का एक मेजर सोर्स है ये और बायोस्फीयर का एक पार्ट है साइंटिफिक स्टडीज हैव शोन हाउ द ओशन आर पोल्यूटेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज और ह्यूमन एक्टिविटीज ने जितनी जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उन सभी एक्टिविटीज ने क्या किया ओशन को पोल्यूट कर दिया तो बच्चों विथ्रोस एवरेल मिलियन टनस ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन द ओशन एवरी ईयर चौकिंग मेराइन लाइफ अगर हम इस तरीके से करते रह जाएंगे थाउजेंड टन्स थाउजेंड मिलियन टन्स जो है प्लास्टिक वेस्ट अगर हम आ, एवरी ईयर समुद्र में डालते जाएंगे तो मराइन लाइफ डैमेज होगा और बदले में हमारा ऑक्सीजन भी डैमेज होने लग जाएगा फिर हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगेंगी इसीलिए किसी भी वाटर बॉडी में कोई भी पॉल्यूटेंट हमें थ्रो नहीं करना चाहिए आज से ही प्लेज लीजिए कि किसी भी पॉल्यूटेंट को किसी भी वाटर बॉडी में आप थ्रो नहीं करेंगे ठीक है एज अ रिजल्ट द मराइन इन्वायमेंट इज़ अंडर थ्रेट जिसकी वजह से जो समुद्र का वातावरण है जो इन्वामेंट है समुद्र के अंदर का वो खतरे में आ गया है ओवर फिशिंग हम कर देते हैं है ना तो इसकी वजह से भी क्या होता है मराइन लाइफ डिक्लेयर करने लग जा रहा है इट इज़ आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ओशियन फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्लानट एंड ऑफ ह्यूमैनिटी तो इसलिए ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं जो भी हमसे लिंक्ड हुए हैं प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ओशन लाइफ ही ओशन ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो प्लीज़ इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको ओशन को प्रोटेक्ट करना है ताकि फ्यूचर में हमारा ये प्लानट सर्वाइव कर सके हमारी ह्यूमैनिटी जिंदा रह सके इसलिए 8 जून को इस चीज़ के लिए डिक्लेयर किया गया कि हम वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट करेंगे सो प्लीज कीप इन माइंड दैट डोंट पोल्यूट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज डोंट पोल्यूट आवर ओशन एंड सीज एज वेल एज एनी वाटर बॉडी ओके चलिए अब जब हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करेंगे उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा ओके okay, चलिए देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा सबसे पहला हमने पढ़ा अर्थ सर्फेस हैज वास्ट वाटर बॉडी कॉल्ड ओशन अर्थ सर्फेस के ऊपर एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है जिसको कि हम ओशन कहते हैं और जो लार्ज लैंड मास है उसको हम क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट्स ओशियन आर इंटरकनेक्टेड ओशंस जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कॉन्टिनेंट्स में भी कंटिन्यूड इन वेरियस वेज द मोस्ट कॉमन काउंट इज सेवन कॉन्टिनेंट्स जो हैं अलग अलग तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं पर जो सबसे कॉमन काउंट है वो है सेवन जो हम हर जगह पढ़ते हैं द नॉर्दर्न हेमिसफेयर हैज़ मोर लैंड देन द सदर्न हेमिसफेयर ठीक है तो नॉर्दर्न हेमस्फेयर में लैंड का हिस्सा ज्यादा है जबकि सदर्न हेमिसफेयर में लैंड का हिस्सा कम है नोट करिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ओके सो लेट्स मूव टूअर्ड्स द आवर नेक्स्ट पॉइंट हमने और क्या चीज़ इसमें पढ़ी ओशियन ओशियन सपोर्ट ऑल काइंड ऑफ मरीन लाइफ एंड प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द वर्ल्ड क्लाइमेट ओशियन क्या करता है सभी मरीन लाइफ को सपोर्ट करता है और वर्ल्ड के क्लाइमेट को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करता है They are now seriously affected by human activities and need our collective production. So, हमारे पास जो अलग अलग तरीके की हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे हमने फैक्ट्रीज लगा ली और इन फैक्ट्री से रिलीज होने वाले जितने भी वेस्ट मटेरियल थे हमने सबको वाटर बॉडी में डंप कर दिया और फिर इनडायरेक्टली वो सभी वाटर बॉडी से होते हुए फाइनली ओशन और सी में पहुंच करके वहाँ पर डैमेज करते हैं तो ये चीज़ें सारी क्या है हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ओशन और वाटर बॉडी को क्या करें प्रोटेक्ट करें आई होप डरस्टैंड दिस वीडियो इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में पिछले के सभी पार्ट्स के वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वाचिंग कात्या किड्स लर्न विद फन, स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियोस टू बी लाइंगडअप थैंक्स फॉर वाचिंग बाय फॉर नाउ